निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा करने वाली बीबीसी किस तरह भारत सरकार विरोधी और कांग्रेस व पाकिस्तान परस्त है, उसके खबरों को पेश करने के ढंग से समझा जा सकता है। 11 मई 1940 को शुरू होने वाली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के लेखों और वीडियो पर गौर करें तो पाएंगे कि ये भारत सरकार के खिलाफ नकारात्मक खबरें परोसने में लगी हुई है। सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल उठाना पत्रकारिता का सिद्धांत और नीति है, लेकिन नीयत खराब हो तो सवाल उठाने वाले संस्थान पर ही सवाल उठना लाजमी है। उदाहरण के तौर पर 6 अगस्त को बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट आया, कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट आर्टिकल 370 पर बारामूला में रहने वाले लोग क्या कहते हैं। सिर्फ दो लोगों के बयान के आधार पर बारामूला के लोग क्या कहते हैं के निष्कर्ष पर कैसे निकल गई बीबीसी? क्या वही दो लोग बारामूला के निवासी हैं? ये तो महज एक उदाहरण है। बीबीसी हिंदी के वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर ऐसी तमाम खबरें मिल जाएंगी जिसमें एक तरफा रिपोर्टिंग की गई है, या फिर खबर को नकारात्मक ढंग से पेश किया गया है, या फिर उसे भारत सरकार के विरोध के चलते प्रो कांग्रेस या प्रो पाकिस्तान एंगल से पेश किया गया है। अगर इसी वीडियो में लोगों के कमेंट्स पर जरा गौर करें तो साफ समझ में आता है कि जनता बीबीसी के प्रोपेगेंडा को बखूबी समझ रही है। एक यूजर ने लिखा है, बीबीसी अपने देश ब्रिटेन की तरह ही फूट डालो और राज करो की परंपरा का निर्वाह कर रही है। ऋषि कुमार लिखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब एक कश्मीरी होता है। राकेश नाम के यूजर ने तो बीबीसी को भारत में बैन करने की सलाह तक दे दी। वो कहते हैं कि बीबीसी नकारात्मक, नफरत भरी और भारत विरोधी रिपोर्टिंग कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीबीसी ने किसी कश्मीरी से ये पूछा कि धारा 370 और 35 से उनके लिए किसी काम की थी भी? एक यूजर लिखते हैं कि बीबीसी लद्दाख के लोगों को क्यों नहीं दिखाती, सिर्फ अफवाह फैला रही है। इस रिपोर्टिंग पर कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया है। विदेश के एक यूजर ने बीबीसी पर सीधे सीधे पक्षपात का आरोप लगाया है। वहीं मेहविस हसन कहते हैं कि धारा 370 हटने के फायदे नहीं बता रही बीबीसी। बहरहाल पत्रकारिता के नाम पर पक्षकारिता कर रही बीबीसी अपने कारनामों से खुद अपने पोल खोल रही है।